दोस्तों मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरा इंस्पिरेशन रहा है 2017 से लेके अभी तक का। मैं आपके सामने जो कोई भी काम करता हूँ उन्हीं की इंस्पिरेशन से लेके आज तक काम कर रहा हूँ। वैसे तो वो उम्र में मेरे ही एज के होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपने से ज़्यादा सम्मान देता हूँ उनको, क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन वह रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनोज दे का, मनोज भाई का। एक वीडियो उन्होंने बनाया था 2018 के करीब में, 2018 या 19 की याद नहीं मुझे, उन्होंने बनाया था गुरुजी महान इंसान है, ये भगवान है या इंसान। तो वह वीडियो मैंने पूरा देखा था। गुरुजी तो वाकई में भगवान से भी बड़ा है, जो डेली हार्ड वर्क करके डेली दो वीडियो लाना कोई छोटी बात नहीं है, चाहे कोई भी काम क्यों न रहे। 3 साल यानी चौथा साल आज चल रहा है, डेली 2 वीडियो आती है। तो मनोज दे पे चलते हैं। मनोज दे ने वीडियो बनाया था कि गुरुजी भगवान है, डेली 2 वीडियो देते हैं, बहुत सारी बातें बताई थी उनके बारे में। लेकिन मेरे नज़र में यूट्यूब का भगवान मनोज दे ही है। मनोज दे की वीडियो जब आती थी उस समय तो बहुत सारे लोग उन पर मतलब गंदे गंदे बात कमेंट करते थे, मनोज दे ये कर रहा है, फ्रॉड है, ये है वो, सबके पैसे लूट लिए। लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया कि मनोज दे का दिल दुखे। मैं हमेशा से उनके साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा, और पिछले दिनों भी साथ था। मेरा इंस्पिरेशन है क्योंकि वह भाई इतने अच्छे काम करते हैं। 2017 से वे लड़का जिनके पास कुछ नहीं था, पढ़ने तक के लिए पैसा नहीं था, फीस भरने स्कूल का फीस भरने के लिए नहीं, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए नहीं पैसा नहीं था, वह लड़का आज स्ट्रगल करके आज 8.5 लाख तक सब्सक्राइबर तक पहुँचे हैं। कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया। सबसे पहले उन्होंने 50,000 सब्सक्राइबर से, मैं देख रहा हूँ वहीं से मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रगल करते करते डेली मेहनत करते थे। उनकी वीडियो में एक सच्चाई झलकती थी कि हाँ भाई, कोई अपना भाई बता रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो। यही कारण है कि वो आज इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए। मेरी एक एक बात में रियलिटी है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही उनकी वीडियो देखता आ रहा हूँ। तो उनके वीडियो में थोड़ी सी कम भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी रेगुलर वीडियो आती थी। शाम के समय 5:30 बजे या 4 बजे करीब में वो वीडियो शूट करते थे। उनके पास लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल से ही करते थे, घर अच्छा नहीं था ताकि वीडियो शूट किया जाए, लाइट अच्छा नहीं था, तो शाम का इंतज़ार करते थे और शाम में वीडियो शूट करके हम लोगों के सामने पेश करते थे। मैं हमेशा से उनके वीडियो पसंद करते आया हूँ और मुझे लगता था कि ये बंदा का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि एक एक स्टेप यानी कि उनकी जो कोई भी बात कही जाती थी सब बातों में सच्चाई झलकती थी। तो आज देखिए, आज 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं मनोज दे के। और सबसे पहले उन्होंने अपाची खरीदा, लैपटॉप खरीदा, DSLR कैमरा खरीदा और कार भी ले लिया 2019 के लास्ट में। तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के रूप में मनोज दे मुझे आज तक मेरे नज़र में है। गुरुजी का तो बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि गुरुजी बहुत पहले से है, लेकिन मेरे नज़र में मनोज दे ही रहेगा हीरो और हमेशा उनकी वीडियो मैं देखता हूँ। जो कोई भी अपडेट आते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उनकी वीडियो देखता हूँ। वैसे तो मनोज दे अपने गुरु यानी कि धर्मेंद्र सर को मानते हैं, लेकिन मैं अपना गुरु उनको मानता हूँ, मनोज भाई को मानता हूँ। मनोज भाई, उनकी बातों में सच्चाई है, जो कोई भी चीज़ वह समझाते हैं बिल्कुल इजी आसानी से समझ में आती है, तो यही उनकी खासियत है। मनोज भाई, मेरी दुआएं आपके साथ है, आप भी बढ़िए और आपका जितना भी समर्थन है यानी कि सब्सक्राइबर है वो सब आगे बढ़ेंगे, मैं यही दुआ करता हूँ।